नमस्कार आप सभी को, हम आप सभी का क्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब अब तक तो जान ही चुके होंगे कि हम आपको आपके फेवरेट शो यानी कि बिग बॉस सीजन OTT 3 की डेली और लाइव अपडेट्स देते हैं सबसे पहले और सबसे तेज। अगर आपको शो के रिगार्डिंग, किसी भी एपिसोड के रिगार्डिंग या अपने किसी भी फेवरेट कंटेस्टेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो घर के बाहर और अंदर की, तो यू आर एट अ राइट प्लेटफॉर्म। तो चलिए अब बिना समय गवाए आपको देते हैं रिव्यूज अबाउट द टुडेज एपिसोड कि आखिर आज क्या हुआ घर के अंदर और किस कंटेस्टेंट की बातें लगी लोगों को अच्छी और किसकी बातें लगी थोड़ी ओवर एक्टिंग। एट द स्टार्टिंग हमने देखा कि सना सुल्तान एंड नेजी में अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती और क्लोजनेस बढ़ रही है। जैसा कि हम कुछ दिन से देखते आ रहे थे कि सना मकबूल नेजी की काफ़ी क्लोज थी, पर अब सिक्के थोड़े बदल चुके हैं। सना सुल्तान नेजी को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंट करती हैं एज अ फ्रेंड, और ये इनकी जो दोस्ती है वो ऑडियंस को जेन्युइन भी लग रही है और ऑडियंस को काफ़ी हद तक पसंद भी आ रही है। आपका क्या कहना है सना सुल्तान और नेजी की इस दोस्ती पे? ऑल्सो लेट अस नो कि आपको नेजी के साथ सना सुल्तान ज़्यादा अच्छी लगती हैं या सना मकबूल, क्योंकि ये जो पहलू घर में चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर हाँ देखने में मज़ा ज़रूर आ रहा है। उसके बाद हमने देखा नेजी ने शिवानी को पहले भी मना किया था कि वो उनको टच करके बात ना करें, पर आज शिवानी ने अगेन उनको टच करने की से बात की और नेजी ने उनको डांट दिया। तो आपको भी अब लगता है कि जब नेजी बार बार मना कर चुके हैं तो शिवानी को सेम हरकतें हर बार दोहराने की क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसा ही वो करती हैं रणवीर शोरे जी के साथ भी। उन्होंने बार बार जो चीज़ें करने को मना की है वो वही चीज़ें दोहराती हैं और उन्हें इरिटेट करती हैं। और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे शिवानी जानबूझ के घर के कुछ कंटेस्टेंट्स जैसे कि सना सुल्तान, रणवीर शोरे, इन लोगों के साथ बदतमीजियाँ करती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई कंटेंट ही नहीं है अपनी ऑडियंस को और शो के व्यूवर्स को देने के लिए। तो वो यही बदतमीजियाँ और तू तू मैं करके ऑडियंस का टेंशन और कैमरा के टेंशन अपने तरफ लेने की कोशिश करती हैं। और आज सेम चीज़ हमने उनको नेजी के साथ करते भी देखा। नेजी ने जब उनको मना कर दिया कि वो टच करके बात ना करें तो वो उनकी अपनी चॉइस है और वो उनकी अपनी कन्फ्रंटेशंस हैं, पर शिवानी ने बाद में विशाल और कटारिया के सामने बैठ के इस बात का भी मजाक बनाया और उन्होंने कहा कि सना मकबूल जैसों को तो सर पर बैठा ले पर मुझे टच करने से भी मना कर रहा है, पता नहीं क्या समझता है खुद को और ऐसी वैसी बातें। तो शिवानी, ये नेजी का अपना डिसीजन है कि वो किसको अपने क्लोज आने देना चाहते हैं और किसको नहीं आने देना चाहते। इस चीज़ के आई गेस उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए विदाउट के बैक बिचिंग किए। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि अरमान मलिक जी ने आज क्या किया। आज फिर से अरमान मलिक दूसरे ग्रुप यानी कि विशाल, कटारिया, सना मकबूल, इन सब की चुगली कर रहे थे। कहीं ना कहीं अरमान अब दिखा रहे हैं कि उनके बारे में जो परसेप्शन था कि वो जहाँ बैठते हैं वो चुगलियाँ ही करते हैं, ये वो खुद ही सच प्रूफ कर रहे हैं। अरमान का मतलब है घर में बैठो, दो लोगों के बीच में आग लगाओ और चुगलियाँ करो। उसके बाद हमने देखा कि आज कृतिका और चंद्रिका जी के बारे में क्या हुआ। आज ये दोनों साथ में बैठी थी और इन दोनों ने बातचीत की, और जैसा कि बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रिका जी मुँह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और, आज उन्होंने उस चीज़ को सच भी प्रूफ किया। ये दोनों आज फिर से बैठ के बाकियों की बैक बिचिंग कर रही थीं। कृतिका ने फिर से वही चीज़ सेम बात उठाई कि विशाल लोगों के बारे में क्या कहा था, उनकी सोच गंदी है, वो बदतमीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, विशाल को उनके किए की सजा मिल चुकी है। बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा उनको उस चीज़ के लिए गिल्ट फील करवाया और बाहर के लोगों ने भी उनको काफ़ी कुछ आगे कहा, जैसे कि पायल मलिक। तो अब बार बार उस टॉपिक को उठा के शायद कृतिका भी लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही हैं, और चंद्रिका जिसका उस केस से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो ना जाने क्यों बार बार विशाल के लिए ऐसी बातें बोल रही हैं कि अगर मुझे ऐसे इंसान की सोच पता हो वो कैसा सोचते हैं तो मैं शिवानी जैसी लड़कियों को तो मना ही करूँगी कि उनके साथ ना उठे बैठे। खैर, शिवानी और सना मकबूल अगर अभी भी विशाल के साथ रहना पसंद कर रही हैं तो वो उनकी अपने डिसीजन है, पर चंद्रिका जी को बार बार ये बातें बोलना कि ऐसी सोच वालों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं है, उनकी सोच खराब है, वो सबको गलत नज़रिए से देखता है, ये सब एक वुमेन कार्ड जैसा लग रहा है। हालांकि विशाल और चंद्रिका का ऐसा कोई मसला भी नहीं था, पर पता नहीं चंद्रिका जी इस बात से कौन सी लाइमलाइट लेना चाहती हैं।
उसके बाद हमने देखा आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आज विशाल को बुलाया बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में। उसके बाद उन्होंने विशाल से पूछा कि क्या उनको पता है घर का स्पाई यानी कि बाहर वाला कौन है। विशाल ने कहा नहीं, पर मुझे ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि वो लव कटारिया ही हैं। फिर बिग बॉस ने चलाए कुछ क्लिप्स जिसमें कि विशाल बार बार लव कटारिया को बोल रहे थे कि मुझे पता है बाहर वाला तू ही है। लव कटारिया ने सीधे सीधे हाँ तो नहीं बोला, पर मना भी नहीं किया, और इससे शायद विशाल के इंट्यूशंस और ज़्यादा बढ़ गए इस बात को लेके। अब हम आपको बताते हैं कि जब लव कटारिया को बनाया गया था बाहर वाला यानी कि घर का स्पाई, तो सबसे पहली रूल यही थी कि वो घर में किसी को भी ये पता नहीं लगने देंगे कि वो एज अ बाहर वाला वर्क कर रहे हैं बिग बॉस के लिए, और इसके बदले उनको बहुत सारी पावर्स और स्ट्रेंथ मिलेंगी। वो घर में कभी भी नॉमिनेट तो होंगे पर एलिमिनेट नहीं होंगे। वो लोगों को नॉमिनेट कर भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं और उससे बचा भी सकते हैं, पर बेशर्त उन्हें ये बात कभी किसी घर वाले को पता नहीं चलनी देनी कि वो बाहर वाला है। और कटारिया ने बाहर वाला होने की ये सबसे बड़े रूल को ब्रेक कर दिया और उन्होंने विशाल को बता दिया कि वो एज अ स्पाई बिग बॉस के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद कन्फेशन रूम से जब विशाल बाहर आए तो सभी को बुलाया और सारे घर वालों से बात की और सबको बताया कि लव कटारिया ही थे जो कि एज अ बाहर वाला वर्क कर रहे थे, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई और अपने दोस्त को ये मालूम पड़ने दिया कि वो एज अ स्पाई काम कर रहे हैं। अब एज अ रिजल्ट कुछ बहुत दिलचस्प होना था और हुआ भी। सीधे सीधे घर वालों से पूछने के बाद उन्होंने ये बोला कि अब उन्हें यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा, पर एट लास्ट उन्होंने ये पूछा कि इतने कितने घर वाले हैं जो उन्हें एलिमिनेशन से बचाना चाहेंगे और कितने उन्हें रोकना चाहेंगे। नॉट वेरी शॉकिंगली सिर्फ 4 हाथ उठे उनको बचाने के लिए, और वो थे खुद विशाल, जिन्होंने अपनी ही गलती से अपने दोस्त को फंसा दिया था, सना मकबूल क्योंकि वो उनकी दोस्त है, शिवानी और दीपक सर। इन चारों ने कटारिया को बचाने के लिए हाथ उठाया। बाकी के घर के कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग नेजी एंड एवरीवन वांटेड कि लव कटारिया रूल ब्रेक के लिए घर से बाहर जाए। ये लोग बार बार सना सुल्तान पे भड़क रहे थे, पर सना सुल्तान का रीज़न हमें बिल्कुल जेन्युइन लगा उनको एलिमिनेशन से ना बचाने का, क्योंकि सना सुल्तान पॉलमी के बहुत क्लोज थी और जब बाहर वाले के हाथ में पावर थी घर से बाहर निकालने की और किसी को रोकने की, तो उन्होंने पॉलमी को एलिमिनेट होने दिया था। तो अब आखिर सना सुल्तान उन्हें क्यों बचाती। तो एज अ रिजल्ट ये बिग बॉस ने फैसला किया कि कटारिया को सीधे निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन इन चार लोगों को चक्की चलाने का एक टास्क मिलेगा, और अगर ये पूरे टाइम तक चक्की चलाते रहते हैं तो इनका दोस्त एट द एंड सेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी तारीफ करते हैं सना मकबूल, शिवानी और विशाल की फ्रेंडशिप की। इन लोगों ने कंटिन्यूसली बिना रुके चक्की चलाई और एट दी एंड कटारिया को एलिमिनेशन से बचा लिया। पर सिलसिला ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कटारिया को बिग बॉस ने कहा कि अब वो जब तक बिग बॉस ना कहे हथकड़ी पहन के गार्डन एरिया में रहेंगे। उनको वॉशरूम जाने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, खाना खाने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो अपनी जिम्मेदारी को सही से कर रहे हैं या नहीं और कोई छल कपट तो नहीं कर रहे, ये देखने के लिए बिग बॉस ने ड्यूटी दी साई केतन को। तो अब आपको क्या लगता है, इस तरह से लव कटारिया को हथकड़ी पहनाकर गार्डन में रखना क्या ठीक है। वेल, अब इतनी सारी पावर्स दी थी बिग बॉस ने, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि लव कटारिया को काफ़ी ज़्यादा ही पावर मिल रही है, तो उन्हें अपने सीक्रेट को बचा के ही रखना चाहिए था। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह आज साई केतन और रणवीर की थोड़ी तारीफ कटारिया ने भी की। उन्होंने कहा कि अनलाइक अरमान एंड चंद्रिका, ये दोनों जैसे भी हैं फेस पे हैं और रियल हैं। वैसे हाँ, ये चीज़ तो हमने भी पहले ही एपिसोड से नोटिस की है कि साई केतन और रणवीर शोरे में एक खासियत है कि वो अगर किसी को पहले दिन से पसंद करते हैं तो करते हैं और नहीं करते तो नहीं करते। वो कुछ भी फेक नहीं करते, जिसे बचाना है उसके लिए भी वो क्लियर रहते हैं और जिसे नहीं बचाना उसके लिए भी वो काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो ये जो उन दोनों की पर्सनालिटी है ये काफ़ी रियल दिख रही है ऑडियंस को, और इसलिए शायद ऑडियंस इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार भी दिखा रही है। आपका क्या कहना है साई केतन और रणवीर शोरे की इस पर्सनालिटी पे। वही अगर हम बात करें चंद्रिका जी की, तो चंद्रिका जी जिस साइड पावर देखती हैं, जिस साइड बिग बॉस का फेवरिज्म देखती हैं, उस साइड चली जाती हैं।
कुछ दिन पहले तक वो विशाल कटारिया की दोस्त बनती फिरती थी, पर वही जब बात आती है इन दोनों को बचाने की तो वो पीछा हट जाती हैं और अब वो अरमान वगैरह के साथ ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे चंद्रिका जी की हमें काफी स्प्लिट पर्सनालिटी देखने को मिली। वेल, आज के एपिसोड के कुछ खास लाइन हाइलाइट्स थे इतने ही। अगर आपको ऐसे ही बिग बॉस से जुड़े हर रोज के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल एट द सेम टाइम फॉर द सेम शो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड नाइट।